हैं कि किसका श्राद्ध कौन करे। पिता के श्राद्ध का अधिकार उसके पुत्र को है, किंतु जिस पिता के कई पुत्र हों उसका श्राद्ध उसके बड़े पुत्र को करना चाहिए। इस बारे में भी एक कंफ्यूजन है, वो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। पहले जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक ही जगह चौका होता था तो श्राद्ध भी एक ही जगह होता था, सभी पुत्र मिलकर श्राद्ध करते थे। अब चौके अलग अलग हो गए, कोई एक शहर में कोई दूसरे शहर में। अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमारे बड़े भाई ने कर लिया, हमारी माँ ने कर लिया, हमारे पिता ने कर लिया होगा गांव में या दूसरे शहर में, तो हम क्यों करें। चौके अलग अलग हो गए हैं, हर जगह आप अलग अलग रह रहे हैं, आपके पितर जो हैं हर परिवार के ऊपर जाते हैं, हर घर में जाते हैं, अगर उनको वहाँ पे भोजन मिलता है, जल मिलता है, तो शुभ आशीर्वाद देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि कि आपके घर के चौके अलग हो चुके हैं तो निश्चित तौर पे आप सभी को अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। जिसके पुत्र ना हो उसका श्राद्ध उसकी स्त्री कर सकती है, और जिसके पत्नी नहीं हो उसका श्राद्ध उसके सगे भाई कर सकते हैं, और जिसके सगे भाई ना हो उसका श्राद्ध जो है उसका दामाद कर सकता है, या पुत्री के पुत्र जिसको हम नाती कहते हैं वो कर सकता है। परिवार में कोई नहीं होने पर उसने जिसे उत्तराधिकारी बनाया हो, गोद लिया हो, वो व्यक्ति उसका श्राद्ध कर सकता है।